गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। ये बहुत स्लो स्लो ऐड हो रहे हैं, सबसे बोलो जल्दी से ऐड हो जाए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग हिमांशी। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अच्छा बहुत स्लो ऐड हो रहे हैं ऑनलाइन। जल्दी जल्दी बोलो ऐड हो। हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें। मैम कैमरा ऑन करके पढ़ाइए, तब पढ़ने में मन लगता है। गुड मॉर्निंग वैभव। प्लस और लोग ऐड होंगे कि बस इतने ही लोग रहने वाले हैं? थर्टी 36 लोग हैं मैम, अभी और लोग ऐड होंगे। और ओके स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन विजिबल हो रही यस मैम। है? ओके यस okay. ओके क्लास, बाकी लोग ऐड होते रहेंगे। आई होप कि हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बेटर रहेगा वो। ओके गुड मॉर्निंग क्लास। क्लास, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, वो हम लोग बात कर रहे थे, ओवरव्यू की बात कर रहे थे कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम किस तरीके से काम करता है। तो हम लोगों ने कुछ सेक्शंस में उसको डिवाइड किया था, फेजेस हम कह सकते हैं। तो हम लोगों ने प्री 1951, इसमें कुछ हेडिंग्स चेंज होंगी क्लास, जो हमने लिखवाया है। तो बाकी सारे आपके पास नोट्स होंगे, तो आगे का आप लोग नोट कर लेना, ठीक है? इसमें कुछ चीजें कम है, बट वो हम आपको बोलते जाएंगे। तो प्लीज प्रिपेयर फॉर दैट, एक पेन पेपर लेकर बैठिएगा और नोट करते जाइएगा। ओके तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं प्री 1951, हम लोगों ने डिस्कशन किया। देन उसके बाद हम लोगों ने 1951 से 1990 के बारे में बात करी। तो पहले क्या था, ऑब्वियसली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, प्राइवेट सेक्टर था पूरी तरीके से। और प्राइवेट सेक्टर ने, एक होता है ना कि बिना किसी रूल्स रेगुलेशंस के काम हो रहे थे। फिर 1951 से 1990 के बीच में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी बैंकिंग फेजेस आए, नेशनलाइजेशन हुआ, इंडिजीनियस बैंकर्स खड़े किए गए,
गवर्नमेंट गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी सारा सपोर्ट मिला कि आप पब्लिक सेक्टर को बड़ा करो। ठीक है, भले आप पहले स्टार्टिंग में ये हुआ था कि आप जो बड़े कहा जाए बिजनेसमैन हो सकते थे और जिनके पास ऑलरेडी इनफ अमाउंट था, तो उनसे बोला गया कि आप अपना ही अमाउंट उसमें इंडल्ज करो, ठीक है, जिसकी वजह से आपका बिजनेसेस बड़े हो पाए। तो इस तरीके से काम किया गया 1951 से 1990, देन हमारे पास आए अर्ली 90s। अर्ली 90s में गवर्नमेंट ने थोड़ा सा पीछे, हम लोग कह सकते हैं पीछे हटके, जब सेटअप कर लिया तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, अब पब्लिकली ऑफर करिए, आप जितनी भी कंपनीज हैं वो पब्लिक का पैसा ज्यादा इन्वॉल्व करिए, और गवर्नमेंट ने थोड़ा सा बैक कहा जाए स्टेप बैक करते हुए, या कह सकते हैं कि अपनी इन्वॉल्वमेंट सिर्फ वहीं तक रखी जो जो गवर्निंग बॉडीज थे, जैसे आरबीआई हो गया या सेबी हो गया, या अगर हम लोग बात करते हैं एडा की बात करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, तो या स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन थी, IFC, IC, तो इन लोगों ने मिलकर इस तरह से काम किया कि किसी भी एंड से जितने भी कंपनीज हैं उनको सपोर्ट मिलता रहे, बट गवर्नमेंट ने एक तरीके से अपना हाथ वहीं तक रखा जहां तक वो गवर्निंग बॉडीज का काम था। बाकी गवर्नमेंट गवर्निंग बॉडीज को बोला गया कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओ, आप सर्कुलेशन करो, आप बिजनेस को रन कराओ। ओके, प्रेजेंट स्टेटस की अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी ग्लोबलाइजेशन चल रहा है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास, हम लोगों ने ओवरव्यू में ये डिस्कशन कर ही लिया था, 1951 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, देन उसके बाद 1951 से 1990 के ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कस किया, नेशनलाइजेशन हुआ, डेवलपमेंट्स हुए कुछ, ठीक है। ओके, फिर हम लोग थे यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों ने पोस्ट 1990 की बात कर रहे थे, जहां पर हम लोगों ने बात करी कि इंडस्ट्रीज ग्रो करी, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज से पहले अब हम लोगों ने कल जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था वो हम लोगों ने क्रेजेल के ऊपर डिस्कशन किया था कि रेटिंग एजेंसीज बनाई गई। यहाँ पे आई होप कि आपको विजिबल हो रहा होगा क्रेजेल के बारे में, और हम लोगों ने बहुत सारे और एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी क्रेजेल के लिखे हुए हैं, और ऑलरेडी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट, जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो हम लोगों को ये पता ही है कि तीन मेजर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, जो अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, जो तीन थी आपको याद होगी कौन कौन सी थी, क्लास फिच थी, FITCH करके था, याद है। देन सेकेंड वन, सेकेंड कौन सी, मूडीज केयर करके था, ठीक है। थर्ड कौन सी थी, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। ओके, तो ये तीन यस हमारे पास, ओके ठीक है, तो ये तीन हमारे पास क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, और ये इनको बिग थ्री क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बोला जाता है, और ये इन्हीं की सब्सिडियरीज हैं जो इंडिया में काम कर रही है, जिसको हम लोग क्रेजेल बोलते हैं। ये इंडिया में एज सब्सिडियरी ऑफ कह सकते हैं हम लोग अमेरिकन जो भी रेटिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसकी ये सब्सिडियरी है और इंडिया में काम कर रही है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, और इनका 58 पॉइंट, यहाँ पे लिखा हुआ है 58.46% का शेयर है। ओके, तो हम लोगों ने ये सारा डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में। तो आज हम लोग बात करेंगे पोस्ट 90 में ही, ठीक है, इंडस्ट्रीज की हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि इंडस्ट्रीज क्या सेटअप हुई। तो बैंकिंग सेक्टर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, नेशनलाइजेशन, जब ये सारे जो हमारा बेस एक तरीके से बहुत बेटर तैयार हो गया, उसके बाद काम किया गया इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो सबसे पहला था राइज एंड ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री, और हम सब जानते हैं कि 1990 के बाद सर्विस सेक्टर में बहुत बड़ा बूम आया था, ठीक है। तो जितने भी सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर का मतलब ये हो गया कि हमारे प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं सर्विस सेक्टर में, क्योंकि फिजिकल प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं। जैसे हम मोबाइल फोन में अगर बात करते हैं, ठीक है, तो मोबाइल फोन्स में जो स्पेक्ट्रम्स हैं उसकी हम लोग बात करें, तो वो हमारा प्रोडक्ट तो नहीं हुआ, बट सर्विसेज हुई। हो
होटल इंडस्ट्रीज बहुत बूम पे आई, और भी सर्विस सेक्टर्स. पहले क्या था कि आप देखते हो ना, जोमेटो आपको क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं. आप किसी भी रेस्टोरेंट से फूड ऑर्डर करते हो, फूड आपका प्रोडक्ट हो गया नो डाउट, बट आपको सर्विसेज जोमेटो दे रहे हैं, ठीक है. तो इसी तरह की आप देख रहे हो ऑनलाइन में भी, अभी करंट टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन जो आपको फैसिलिटी मिल रही है, ये भी सर्विसेज ही है. सिमिलरली आप देख रहे हो कि आजकल क्या हो रहा है कि आपको घर में बैठे बैठे आपके बैंक अकाउंट ओपन हुआ जा रहा है. तो ये सारी बेसिक बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो आपको आपके मतलब कहा जाए ना कि आपके सोफा पे बैठे हुए आराम से ये सारी चीजें आपको फैसिलिटीज मिल रही है. तो सबसे बड़ा पॉइंट हम लोग बोलेंगे, जो भी सर्विस सेक्टर्स हैं हमारे, वो सर्विस सेक्टर्स बहुत ज्यादा इवॉल्व हुए, ठीक है. और इन सर्विस सेक्टर्स की वजह से आप देखते हो ना कि अलग अलग बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हो गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ पूरी तरीके सर्विस, जैसे ओला, आप कैब बुक्स कर रहे हो, ये सब चीजें कर रहे हो, ठीक है. या आप ओयो करके होटल्स वाला जो आता है, उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट उन्होंने लाया है, वो लेता है कि उन्होंने वेबसाइट डेवलप करी और ऐसे होटल्स जो खाली थे, जहां पर लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, उन्होंने उनको चीपर रेट्स पे अवेलेबल करा दिया. तो ऑब्वियसली लोगों को उनकी, वैसे तो हमें क्या होता है, खुद सर्च करना पड़ता, ठीक है, कि भाई कौन सा होटल कहाँ पर है सस्ता है, ठीक है. तो उन्होंने उसको क्या कर दिया, उसको कहते हैं ना कि एज अ मीडिएटर काम करके उन्होंने उसको लोगों तक पहुंचाया कि किस तरीके से आपको ये चीपर रेट्स के होटल्स अवेलेबल हैं, और उनकी फोटोग्राफ्स भी लगा दी, ठीक है. उनकी जो भी सर्विसेज वहां पर आपको अवेलेबल हैं वो भी आपको दिखा दी, ओके. तो इस तरह से ये बहुत इम्पोर्टेंट है. तो हम कह सकते हैं कि 20th सेंचुरी हमारे लिए सर्विस सेक्टर का बूम लेकर आई है. और जो सर्विस सेक्टर है, इसकी वजह से अलग अलग कंट्रीज की जीडीपी ने बहुत ग्रो किया हुआ है, ठीक है. तो एक स्टैंडर्ड, अब सर्विसेज में भी ये जरूरी हो जाता है ना कि आपको जो सर्विसेज दी जा रही है, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कस्टमर फीडबैक्स, हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं. या आप देखते हो इसमें भी रेटिंग्स चलती हैं, स्टार्स चलते हैं, 3 स्टार 2 स्टार मिल रहे हैं इस होटल को. तो इस तरह से इनकी भी रेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि वो भी हेल्प करती हैं कि आपको ये जानना है कि किस तरीके से जितनी भी ये सर्विस इंडस्ट्रीज हैं वो आपको हेल्प करते हैं, ओके. तो अगर हम लोग और सर्विस इंडस्ट्री के बाद आगे बढ़ते हैं, तो रिलायंस एंड डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, नो डाउट 20th सेंचुरी में, और अभी तो 21st सेंचुरी की अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग का रिलायंस टेक्नोलॉजी पे बहुत ही ज्यादा है. हम हर एक चीज के लिए टेक्नोलॉजी पे रिलायंस कर रहे हैं अभी करंट टाइम में, चाहे वो मोबाइल फोन्स हो गए या और भी जितनी भी फैसिलिटीज हो गई, हम सब के लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए ही चाहिए. जो अभी चल रही है करंट टाइम में, हम हर चीज में देखते हैं ना कि जो हमारा रिलायंस है वो, और इसी वजह से जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है. यानी अगर हम लोग पेजर्स की बात करें, पेजर्स या फैक्स सिस्टम से ईमेल्स बहुत ज्यादा जल्दी ट्रांसफॉर्म हो गए, ठीक है. अभी आपके पास आपका परमानेंट एड्रेस हो ना हो, आपका ईमेल एड्रेस बहुत काम का होता है. वो एक तरीके से आपका वर्चुअल एड्रेस होता है, ठीक है. किसी भी पर्सन का वर्चुअल एड्रेस होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है. यानी आप अपने सीवी में भी अपना एड्रेस मेंशन करो ना करो, मेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर जरूर करते हो, क्योंकि आप तक पहुंचने के लिए सबसे आसान सबसे चीप रास्ता है, ठीक है. तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कहा जाए कि अभी करंट टाइप की सिचुएशन में चेंजेस लाने में बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट हमारे पास है ईमेल, मोबाइल फोन मेड सी चेंज इन कम्युनिकेशन, डेटा कलेक्शन एक्सेट्रा. ईमेल और मोबाइल फोन्स की वजह से ही हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन कितना इजी हो गया. पहले क्या होता था, पहले फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को लेटर सेंड करना होता था, कोई फोटोग्राफ सेंड करनी होती थी, तो व्हाट्सएप के आ जाने से हम देखते हैं ना कि लेटर्स, कोई भी मैसेजेस, फोटोग्राफ्स, वीडियोस, ऑडियो क्लिप, इतना इजी हो गया है एक जगह से दूसरी जगह भेजना. बहुत आसान भी हो गया है, हर कोई बहुत आसानी से उसको यूज कर सकता है. बहुत काफी हम कह सकते हैं कि यूजर फ्रेंडली है. जो भी मोबाइल फोन्स और यूज करते हैं उनके लिए व्हाट्सएप तो बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली है. और अब आप देख रहे हो उसके साथ साथ आप डेटा ट्रांसफर बहुत आसानी से हो रहा है. यानी करंट टाइम में, और अब तो
ये पैंडेमिक के टाइम में जो जैसे अभी भी हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करके ही क्लासेस कंडक्ट करा रहे हैं, तो ये भी एक चीपेस्ट सोर्स है और इजी सोर्स है, सबके पास अवेलेबल है। आपके पास सिस्टम नहीं भी है, आपके पास लैपटॉप नहीं है, तब भी आप ओवर योर मोबाइल फोन यू कैन ऑल्सो यूज दिस टेक्नोलॉजी एंड उसकी हेल्प से हाँ आसानी से क्लासेस कंडक्ट कर सकते हो। ओके, देन वी हैव कंप्यूटराइजेशन, कैच फ्रेज जो हम लोग कह सकते हैं ना कि नीड ऑफ एन आवर, अभी करंट टाइम की नीड क्या है, कंप्यूटराइजेशन। आप देख रहे हो हर चीज में कंप्यूटराइजेशन हो गया, यानी आप अपने घर में बैठे मोबाइल फोन से आप पेमेंट कर लेते हो आसानी से विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटराइजेशन। और जो वो सेंट्रलाइजेशन हो गया ना कि आपको पेमेंट भी करने के लिए आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है, आपने इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस कर रखी है और आसानी से आपका पेमेंट आपके घर से ही हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह की चीजें हैं जो आपको बहुत हेल्प कर रही हैं अभी करंट सिचुएशन में। और हम लोग बात करें अगर इस टाइम की, तो हम लोग रिलाय हो गए हैं पूरी तरीके से, हमारा रिलायंस है कंप्यूटराइजेशन और मोबाइल पे। अगर मोबाइल नहीं है तो उसका मतलब हम सोच लो कि हमारा कोई काम नहीं होता है। अगर एक दिन में हमारे मोबाइल में सिर्फ बैटरी नहीं है तो हमारा पूरा दिमाग आधा ज्यादा टेंशन में रहता है, अरे यार हमारे पास तो अभी चार्ज ही नहीं हुआ है, लाइट ही नहीं आ रही है, कैसे चार्ज होगा, क्योंकि सारी चीजें आप मोबाइल फोन से कर रहे हो। तो कंप्यूटराइजेशन एंड मोबिलाइजेशन अभी हमारे जो कहा जाए ना करंट सिचुएशन की नीड है। देन हमारे पास है डिपेंडेंट ऑन कैपिटल मार्केट रेदर देन ऑन ओनली डेट डिपेंडेंसी। करंट टाइम में आप देख रहे हो ना जो कंपनीज हैं वो आईपीओ क्यों लॉन्च कर रही है, क्योंकि वो डेट्स पे ज्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहती। डेट्स का मतलब हो गया डिबेंचर्स या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे लोन जो लेते हैं। ठीक है, तो वो लोन्स और इन पे ज्यादा ज्यादा डिपेंड नहीं होना चाहते, उन्हें पता है कि भाई जितने भी डेट्स हैं इन पर हमें सर्टेन रेट ऑफ फिक्स्ड हमें देना पड़ता है एक इंटरेस्ट, तो हम हमेशा जो ऐसे सोर्सेज लेकर आएंगे जिससे हमें बेनिफिट हो। तो क्या ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि हमें शेयर्स हम इशू करें, प्रेफरेंस शेयर्स हो या जो भी तरीके के शेयर्स हो, उन शेयर्स से हमें बेनिफिट होता है। भाई आपको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो आप डिविडेंड्स इशू करिए, और अगर आपको प्रॉफिट कम हो रहा है तो आप डिविडेंड कम इशू करिए। मतलब इसमें फ्लक्चुएशन होता है, चेंजेस हो सकते हैं। और अगर हम डेट्स पे ज्यादा रिलाई करते हैं, चाहे वो बैंक से लिया हुआ डेट है, लोन है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक लायबिलिटी बढ़ रही है। इसलिए कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि हमारी लायबिलिटीज बढ़े, तो इसके लिए क्या करते हैं हम जो ज्यादा रिलायंस कर रहे हैं, डिपेंडेंसी कर रहे हैं, वो कैपिटल मार्केट पे ज्यादा करते हैं। और मनी मार्केट पे भी ऑब्वियसली नहीं करते हैं, क्योंकि भाई हम ज्यादा पैसा या ज्यादा कैश इन्वॉल्व करेंगे तो हमारा पैसा उतना लॉक रहेगा। ठीक है, तो करंट टाइम में हम देख रहे हैं ना कितने ज्यादा आईपीओज आ रहे हैं और भी आने वाले हैं, तो ये एक ग्रोथ सिग्नल है। और मार्केट में ऑब्वियसली लोगों से किसी भी तरीके जो उनके पॉकेट से पैसा किस तरह निकलवाएं, चाहे वो उनकी सेविंग्स का पार्ट हो या और भी कोई। ओके, नेक्स्ट वी हैव स्केलेबिलिटी ऑफ ऑपरेशन थ्रू ग्लोबल कॉम्पिटिटिव साइट। और ग्लोबल कॉम्पिटिशन बढ़ गया है बहुत ज्यादा, ये सब हम देख ही रहे हैं। जैसे आप लोगों ने स्टारबक्स का नाम सुना होगा सुना है क्लास 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 यस मैम हाँ ओके ओके। और हम लोग सब जानते हैं हम अपने कानपुर में भी स्टारबक्स का एक आउटलेट खुल गया है, साउथ एक्स जेड नहीं साउथ स्क्वायर एक्स में, नहीं जेड जेड स्क्वायर स्क्वायर में, में यस यस। ठीक है, ओके, तो आई होप कि कुछ लोगों ने विजिट भी किया हो। तो बेसिकली बात क्या है, स्टारबक्स इंडिया की तो है नहीं बट इंडिया में काम कर रही है। कोई हमें ये बताएगा कि इंडिया में स्टारबक्स को कौन लेकर आया है? ओके हाँ बता देगा। ठीक है, टाटा कंपनी के थ्रू स्टारबक्स इंडिया में काम कर रही है, तो स्टारबक्स इंडिया करके काम कर रही है। ओके, तो ऑब्वियसली इससे क्या हो रहा है कि हम ग्लोबल अपना जो साइज ऑफ दी मार्केट है ना उसको हम कितना एक्सपेंड कर रहे हैं, उसको ग्लोबल लेवल पे एक्सपेंड कर रहे हैं। बहुत सारे अगर आप जेड स्क्वायर गए हो और अगर आपने अच्छे से वहां पर देखा होगा, तो आप अगर आपका इंटरेस्ट होगा इन सब चीजों में, तो आपने ये चीज मेंशन करी होगी वहां पे कि वहां पे कपड़ों का एक ब्रांड है जो स्पेन का ब्रांड है। ठीक
ठीक है, फिर हम देख रहे हैं और भी भाई चाइना, जापान, सब तरह की जो कंट्रीज हैं वो भी इंडिया मार्केट में दिखा रही है, जिसमें मिनीशो आया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह स्पेन का ब्रांड है मार्क्स एंड स्पेंसर, जो स्पेन के कुछ खास ब्रांड्स हैं, टॉप 10 ब्रांड्स में से है। तो आप सोच समझ सकते हो कि किस तरीके जो हमारा मार्केट साइज है वो कितना ग्लोबली बढ़ चुका है, कि जो बाहर के ब्रांड्स हैं वो इंडिया में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और यहाँ आना चाहते हैं, कि उनमें से कई तो आ भी चुके हैं और यहाँ कानपुर में भी देखने को मिल रहे हैं, जो एक आप साइन ऑफ प्रोग्रेस ही है कि आप देख रहे हो ना, कि कानपुर तक में अगर ये दिख रहे हैं, अगर लखनऊ में होता या मेट्रो सिटीज में था तो ऑब्वियसली हम समझते हैं कि भाई मेट्रो सिटीज है या दिल्ली है, तो वो ऐसी सिटीज हैं जहां पर भाई इस तरह के ब्रांड्स दिख सकते हैं। बस इसके अलावा भी अगर और डिस्ट्रिक्ट्स में आपको इस तरह के ब्रांड्स दिख रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटीज दिख रही है, तो हम ये जान सकते हैं कि ग्लोबल जो साइज है या ग्लोबल कंपटीशन है वो किस लेवल तक आ पहुंचा है, किस लेवल तक बड़ा हो गया है। यानी स्टारबक्स भी चाह रही है कि उनका लेवल किस तरह कहाँ तक पहुंचे, वो उनके कितने सारे आउटलेट्स हैं, अगर हम लोग टोटल आउटलेट्स की बात करें तो अभी हमें याद नहीं है कि कितने टोटल आउटलेट्स इंडिया में ओपन हो चुके हैं अभी तक। मेन बात इतनी थी कि टाटा कंपनी इज इंट्रोड्यूसिंग स्टारबक्स इन इंडिया, तो और भी बहुत सारे लाइंड अप हैं जो हमारे इंडिया में आने वाले हैं, इस तरह के वेंचर्स, इस तरह की चीजें। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रॉड बेसिंग ऑफ बोर्ड्स। जो बोर्ड होते हैं ना, यानी जैसे हम लोग सेबी बोर्ड की बात करते हैं या इस तरह के जितने भी बोर्ड्स हैं ना, इन बोर्ड्स का क्या है, इनको और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया जाता है, और 1990s के बाद इन सबको और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया गया। इसीलिए प्रोवाइड कराया गया कि इनके पास अथॉरिटी ज्यादा हो, जैसे आरबीआई के पास भी बहुत सारी अथॉरिटी। आरबीआई हम सब जानते हैं कि आरबीआई इज अ बैंकर्स बैंक, यानी जितने भी बैंक है उनका उनके लिए बैंक का काम करता है आरबीआई। जब हम बाकी सारे बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक किससे लोन लेते हैं, आरबीआई से लेते हैं, ठीक है। और जो हम लोगों की रेपो रेट होती है, रिवर्स रेपो रेट होती है, इसी तरीके से काम करती है। बहुत सारी रेट्स होती हैं, किसी दिन इस बात करेंगे जब हम लोग आरबीआई की बात करेंगे। तो बेसिकली जो आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सारे बैंक्स को मानने पड़ते हैं, और आरबीआई के पास पावर्स है। जैसे कुछ टाइम पहले हम लोगों ने ऑलरेडी सुना था कि महाराष्ट्र का कहाँ का बैंक था जिनके अकाउंट्स को सीज कर दिया था आरबीआई ने, तो हम समझ सकते हैं कि आरबीआई के पास खुद की इतनी पावर है कि वो किसी भी बैंक के अकाउंट्स को सीज कर सकता है या ब्लॉक कर सकता है या पेमेंट पे रोक लगा सकता है, इंडिविजुअल किसी पर्सन के ऊपर भी और पूरे पूरे बैंक के ऊपर भी, ठीक है। तो ये पावर्स में आता है। सिमिलरली वो रूल्स रेगुलेशन भी, फॉर्मुलेशंस भी आरबीआई से ही फॉर्मुलेट होते हैं। इसी तरह सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे हम लोगों ने एलआईसी में बात करी कि एलआईसी के आईपीओस के लिए सेबी ने अपने रूल्स चेंज कर दिए हैं। पहले क्या होता है, इंडिविजुअल किसी भी कंपनी का अभी तक दो पार्ट में नहीं हुआ कि सेग्रीगेशन किया जा रहा है कि मार्केट में एकदम से मार्केट लड़खड़ा ना जाए, कोलैप्स ना हो जाए मार्केट। इसकी वजह से उन्होंने क्या किया है, दो पार्ट में कर दिया है कि आधे आईपीओ आप पहले और बाकी के आईपीओ आप बाद में लॉन्च करिए। तो हम देख रहे हैं ना कि सेबी किस तरह से अपने रूल्स रेगुलेशन गवर्न करने के लिए चेंजेस कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जितने भी बोर्ड्स हैं उनको अथॉरिटी दी गई, इनके पास पावर्स है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें, तो जैसे जैसे ये इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है ना, बढ़ रही है, उसी की तरीके अगर हम देखते हैं तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, प्रोफेशनलिज्म बढ़ा है, ठीक है। चीजों को लेकर, चीजों को आगे बढ़ा के, इस तरह की चीजों को करने के लिए प्रोफेशनलिज्म बढ़ा है। छोटे छोटे लेवल पे भी जो जो कहा जाए बिजनेसेस काम कर रहे हैं वो उसी फॉर्मुलेशन पे काम कर रहे हैं, और प्रोफेशनलिज्म हेल्प भी करता है, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म हमें ये बताता है ना कि आपको रूल्स रेगुलेशन प्रॉपरली फॉलो करने हैं, तभी आपके, जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटी कंपनी भी है बट आप प्रॉपर अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हो या कॉस्टिंग निकालते हो, अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकालते हो, हर चीज करते हो, तो आप पता कर सकते हो ना कितना प्रॉफिट हुआ, पिछले साल कितना हुआ, इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, या हमारे जो कस्टमर्स है वो नाखुश क्यों हैं। जैसे हम कस्टमर्स के फीडबैक्स लेते रहते हैं बीच बीच में,
ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक प्रोफेशनलिज्म बढ़ता है और इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिलता है। तो ये प्रोफेशनलिज्म हर जगह, चाहे वो गवर्निंग बॉडीज की हम लोग बात कर ले, या हम लोग अगर बात करते हैं इंडिविजुअल कंपनीज की बात कर लेते हैं, ठीक है, तब भी ये प्रोफेशनलिज्म काम करता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव एनबीएफसीज, जिसको हम लोग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस बोलते हैं। यानी बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ साथ क्या है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बैंकिंग इंडस्ट्री के अलावा बाकी सारे काम भी करती हैं। जैसे हम लोग म्यूचुअल फंड की बात कर सकते हैं, ठीक है, और इंश्योरेंस सेक्टर की बात कर सकते हैं, तो इनको एनबीएफसीज। अब ये एनबीएफसीज क्या करती हैं, बेसिकली एनबीएफसीज बाकी सारी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती हैं, ताकि जितनी भी और ऐसी कंपनीज हैं जो बैंकिंग का काम नहीं कर रही हैं, बट स्टिल उन्हें भी सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है, तो उनको सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए ये एनबीएफसीज काम करती हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है कि एनबीएफसीज किस तरह से उनको हेल्प करें, किस तरह से काम करें और कैसे कैसे उनको फंडिंग करें, क्योंकि इनकी फंडिंग से कहा जाए जो ऐसी कंपनीज या इंडस्ट्रीज हैं जो शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, जो डिबेंचर्स निकालना चाहती हैं, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, ठीक है, या उनके पास पूरे एसेट्स नहीं है, ठीक है, और वो चाहते हैं कि भाई हमारे पास एसेट्स नहीं है, तो हमारे पास किस तरह हम अपनी एसेट्स को बढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए उनको भाई लोन्स दिए जाते हैं कि आपको हेल्प करी जाएगी और आप इस तरीके से अपनी जो एसेट्स है उनको बढ़ा लीजिए और लोन्स लेके, क्योंकि ऑब्वियसली जितनी भी कंपनीज, उन्हें भी एसेट्स की जरूरत तो होती ही है। तो ये जो जितने भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, इनको हेल्प करने के लिए कहा जाए, बट ये काम उसी में करते हैं कि कहा जाए कि रेगुलेशन जो इसका होता है वो आरबीआई ही देखता है। आरबीआई का जो एक्ट है 1934, उसी के अंदर काम किया जाता है इनके लिए भी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जितनी भी हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। भाई रजिस्ट्रेशन इसीलिए कंपलसरी होता है क्योंकि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तभी तो हम आपको हेल्प कर पाएंगे, है ना, तो आरबीआई ये कहता है कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो कंपलसरी होता है ये रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग एनबीएफसी का कंसर्न देखें तो, या एक्टिविटीज की बात करें, तो जो लीज के पे काम कर सकते हैं, ठीक है, अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको डेवलप करने के लिए फाइनेंसेस ले सकते हैं, ठीक है, और डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से काम करते हैं, जिसमें एग्जाम्पल्स में अगर हम लोग बात करें, कोटक महिंद्रा फाइनेंस, एसबीआई फैक्टरिंग, फैक्टर्स पे हम लोग समझ सकते हैं, या सुंदरम फाइनेंस, आईसीआईसीआई वेंचर्स, ये इसमें से कुछ है। बाकी सभी ने खोला हुआ है अपना, टाटा वालों का भी है, बिरला वालों का भी है, ठीक है, तो ये कुछ एनबीएफसी के एग्जाम्पल्स हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग कैटेगरी वाइज समझे ना कि किस तरह एनबीएफसी क्या क्या काम करते हैं, तो पहला इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, बाकी सारी जो कंपनीज उनको मॉर्टगेज करते हैं, यानी आपके पास कोई आपकी एसेट है और आप उस पर लोन लेना चाहते हो, तो उस पर मॉर्टगेज करके आप वो कंपनीज को हेल्प करते हैं, या माइक्रो फाइनेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। फिर फैक्टरिंग एक होता है कि आपने ऐसी जगह से परचेज किया शेयर जहां पर कम रेट में, और ऐसी जगह आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो जहां पर आपको ज्यादा अमाउंट मिल सके, तो फैक्टरिंग पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इनके आई होप कि आपको एनबीएफसी क्लियर हुआ होगा। क्लास क्लास आपको एनबीएफसी क्लियर हो रहे हैं? यस ओके यस ओके ओके तो हम लोग बात करें यहाँ पे कि एनबीएफसी इज नॉन बैंकिंग, मतलब बस इतना ध्यान रखना कि जो बैंकिंग से रिलेटेड सीधे काम कर रहे हो, बैंकिंग के अलावा बाकी सारे काम कर रहे हो, उनको हम बोलेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, फाइन। और ये जितने छोटी कंपनीज है, और कुछ नाम लोगों ने सुने भी हैं,
ठीक है, तो ये इस तरह से काम करें। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पोस्ट 1990 की। अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जिसपे हम लोग बात कर सकते हैं। फर्स्ट है कमर्शियल बैंक्स। अब तो पहले क्या होता था, जो बैंक्स थे उनको शेड्यूल टू में रखा जाता, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल टू में हर बैंक रजिस्टर्ड होना चाहिए। बट अभी क्या है, सारे बैंक कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आते हैं, ज्यादातर सारे बैंक, ठीक है। और सेकेंडरी, सारे बैंक शेड्यूल टू का पार्ट है, यानी आप कोई भी बैंक ऐसा नहीं है जो शेड्यूल टू में ना आता हो, ठीक। तो सारे बैंक कमर्शियल बैंक है, सारे ही बैंक शेड्यूल टू का पार्ट है। और या कमर्शियल बैंक आप ऐसे समझ सकते हो कि एक प्राइवेट बैंक हो गया, पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया। पहले क्या होता था कि भाई अलग अलग कैटेगरीज बनाने के लिए जो कमर्शियल बाकी सारे बिजनेसेस भी करते हैं उन्हें कमर्शियल बैंक की कैटेगरी दी जाती थी। बट अभी तो करंटली सारे ही बैंक सब तरह के काम कर रहे हैं, तो सारे ही बैंक कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आते हैं। देन वी हैव म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के लिए शेयर खान ट्रेडिंग और बहुत सारी, और एंजल ब्रोकिंग, इस तरह से बहुत सारी फर्म्स हैं जो म्यूचुअल फंड पे काम कर रही हैं। तो ये सारी चीजें इवॉल्व हुई हैं हमारी पोस्ट 1990 की। अगर हम लोग बात करें कैपिटल मार्केट, तो हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि हमारी कैपिटल मार्केट कितनी ज्यादा इवॉल्व हो चुकी है, कि जो छोटी छोटी कंपनीज हैं वो भी इंटरेस्टेड हो गई हैं। और अभी हाँ, एक एक एक्वायर और हुआ है, बायजूस ने एक कोडिंग कंपनी है बाहर की, यूएस की है शायद ग्रेडअप कोडिंग, ग्रेडअप नहीं मैम, ग्रेडअप ग्रेडअप नहीं, को अक्वायर टिंकर किया है। करके कुछ है, वो बाहर की है, बाहर की है। ग्रेडअप को मैम तो यहाँ किया को है, भी, यहाँ पर भी मैम ग्रेडअप के ग्रेडअप बाद को अभी अक्वायर किया है। अभी रिसेंट में किया है एक, मेरे ख्याल से कल ही हुआ है, कल ही न्यूज आई है, कल वाला चेक करना। टिंकर करके है, कोडिंग एजेंसी है वो जो हम ग्रेडअप बता रहे हो ना, ग्रेडअप क्या है, इवैल्यूएशन सिस्टम है वो, एक तरीके से उसमें नॉलेज बैंक टाइप में है जो हम बता रहे हैं। अभी जो रिसेंट हुआ है, कल की न्यूज है आई थिंक, उसमें टिंकर या थिंकर करके कुछ है, अभी एग्जैक्टली नहीं नाम याद आ रहा है, अभी सर्च करेंगे तो गूगल करेंगे मिल जाएगा। वो एक कोडिंग पर्सपेक्टिव के लिए बनाई है, कोडिंग समझते हैं ना, सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए यस कोडिंग मैम, का यस यूज मैम, किया यस जा रहा है, ठीक है। मैम, यस मैम, टिंकर को ही किया उसको है। है, हाँ, मिल गया, हाँ यही यस बताना मैम, चाह रहे थे। ये इन्होंने इसीलिए किया है कि कोडिंग्स ये बनाते हैं, तो ऑब्वियसली क्योंकि इनका सॉफ्टवेयर पे काम हो रहा है, तो बायजूस ने इनको एक्वायर इसीलिए किया है कि कोडिंग के लिए भी हेल्प करें, और ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स कोडिंग में इंटरेस्टेड है उनको भी हेल्प मिल सके इससे। ओके, नेक्स्ट देन हमारे पास सेकेंडरी मार्केट है। सेकेंडरी मार्केट में हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे प्राइमरी, जो कैपिटल मार्केट होती है ना, वो दो पार्ट में, वर्चुअली दो पार्ट में डिवाइड होती है। वैसे तो आप वैसे देखोगे ना फिजिकली तो, और अपने यहाँ तो कानपुर में भी एक स्टॉक, यूपी का स्टॉक एक्सचेंज तो कानपुर में ही बना हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली जो प्राइमरी मार्केट होती है, जब पहली बार किसी कंपनी, कोई भी कंपनी अपने आईपीओज लॉन्च करती है, ठीक है। अब ये आईपीओज पहली बार का मतलब, जब भी वो अपने जो पेड अप मनी होती है, उस मनी में से जब भी पहली बार इंट्रोड्यूस कराती है कोई भी नए टाइप के शेयर्स, तो उसे आईपीओज बोलते हैं, ठीक है। तो जब आईपीओज लॉन्च होते हैं तो वो प्राइमरी मार्केट में आईपीओज लॉन्च होते हैं, ओके। और उसके बाद जो वो बार बार फ्लोट करते हैं, ठीक है, तो उसको सेकेंडरी मार्केट बोला जाता है। तो वर्चुअली अगर हम बोलते हैं तो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। तो करंट टाइम में सेकेंडरी मार्केट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा काम कर रही है, क्योंकि हम बहुत सारे नंबर ऑफ शेयर्स देख रहे हैं कि उन पर डिस्कशन चल रहा है, और जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है और फ्लोट कराए जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स फ्लोट कराए जा रहे हैं, और लगातार शेयर हो रही है। और क्योंकि अभी पैंडेमिक के टाइम में हम लोग ये भी देख रहे हैं ना कि ये फ्लोटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी नीचे जा रही है, बहुत सारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके रेट्स बहुत ज्यादा हाई जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली लोग उनमें इंटरेस्ट ज्यादा दिखा रहे हैं। देन वी हैव मनी मार्केट। मनी मार्केट की भी नीड बढ़ी है, क्योंकि ऑलरेडी लोगों के पास पैसा नहीं है, तो लोगों ने लोन ज्यादा अप्लाई किए हैं, या बहुत सारे लोग जो लोन नहीं दे पाए हैं, एनपीएस भी हुए हैं, तो मनी मार्केट में भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन अभी चल रहा है। सो फाइनली ये तो हमने डिस्कशन किया कि हमारे पास पोस्ट 1919 में कौन और पैरामीटर्स हैं। तो अगर एग्जाम में आए क्लास, तो इन सब में कुछ थोड़ा थोड़ा एक दो लाइनें या कुछ सेंटेंसेस जरूर मेंशन करिएगा।
ओके नेक्स्ट, फिर हम लोग आज साइड में आगे जाते हैं। अब इसके बाद हम लोगों के पास है जो हमारा ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम की, जिसको हम लोग बात करते हैं कि ये तो हम लोगों ने इंडियन सिस्टम की बात करी, बट ग्लोबली भी बहुत सारी चीजें काम आ रही हैं या काम हो रहा है ग्लोबल पैरामीटर्स पे। तो ग्लोबल पैरामीटर्स जैसे हम लोगों ने अभी बात करी ना कि स्टारबक्स इंडिया में आ गए, रोड जो अभी FDI आ गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गया है, बाहर की कंपनीज डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकती है इंडिया में, ठीक है। तो बट क्या होता है कि बाहर की कंपनीज इंडिया में डायरेक्ट इन्वेस्ट करती है, बट होता क्या है ना कि आपके पास जो फॉरेन कंट्रीज, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो होता नहीं है, तो वो अभी भी कोशिश करती हैं किसी इंडियन कंपनी के साथ में आना। जैसे स्टारबक्स ने इंडिया के टाटा के साथ काम इसलिए स्टार्ट किया कि ऑलरेडी उनका एक सेटअप बना हुआ है, ऑलरेडी उनको पता है कि किस तरह से काम होने हैं, ऑलरेडी उनके पास एक कस्टमर बेस है, ऑलरेडी उनके पास कहा जाए एम्प्लॉई का बेस है, तो वो समझ सकते हैं ना कि कहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं कि किस जगह पर अगर हम स्टारबक्स का रिटेल आउटलेट ओपन करें तो कहाँ ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, कहाँ बेनिफिटेड रहेगा। तो इस वजह से जो ग्लोबल कंपनीज हैं, जो MNCs हैं, वो इंडिया में इंडियन कंपनी के साथ वेंचर करके काम करते हैं। ओके तो यहाँ पर हम लोग बात करें IBRD की। IBRD जो हमारा रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक था, हम लोगों ने बात करी थी ना रिकंस्ट्रक्शन, जो सिक कंपनीज के लिए थे, ऐसी कंपनीज के लिए बीमार है यानी जो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रही, उनके लिए वर्ल्ड बैंक हेल्प करता है और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल असिस्टेंस प्रोवाइड करा रहा है। देन हम लोगों ने IFCI की बात करी थी, जो हमने फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करी थी, इन्होंने लोन्स जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है उनको भी लोन्स प्रोवाइड कराना स्टार्ट किया। देन वी हैव IDA, ठीक है, जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं या जो नेशंस हैं वो हेल्प करते हैं गवर्नमेंट्स को बड़े लेवल पे। ये देखो जो ग्लोबल सिस्टम फाइनेंस सिस्टम की अगर हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम में जो वर्ल्ड बैंक है उसका बहुत बड़ा रोल है, और वर्ल्ड बैंक के अलावा डेवलपमेंट अथॉरिटीज भी हैं या डेवलपमेंट बैंक्स भी हैं जो गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे अभी पेंडेमिक के टाइम में गवर्नमेंट को वर्ल्ड बैंक से या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सपोर्ट मिला हमारी इंडियन गवर्नमेंट को टू इनकरेज मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज, कि भाई इंडस्ट्रीज बंद ना हो और जो इंडस्ट्रीज ऑलरेडी सेटअप हैं उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है उनको किस तरह से हेल्प करी जाए। ओके तो इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने बहुत हेल्प किया। तो ये जो वर्ल्ड बैंक है ये ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है MIGA, जिसको हम लोग मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी बोलते हैं। इसको भी वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करता है और ये 1988 में बनी थी, ठीक है। जो भी ऐसी कंट्रीज जैसे श्रीलंका हो गई, अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, ये बहुत ज्यादा नीडी कंट्रीज है, तो यहाँ पर क्या होता है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया, यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स लेकर आइए आप। बाकी सारी कंट्रीज से बोला जाता है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर आइए जो इन्वेस्टमेंट की गारंटी दे रहे हैं, यानी आप इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको प्रॉफिट अर्न होगा ही होगा। तो ऐसे छोटे छोटे जैसे लोग क्या करते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाते हैं, जैसे इंडिया में भी अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी यहाँ पर आप जाओगे जहाँ पे जिस साइड पे एक्सेस कॉलेजेस बने हुए हैं इलाहाबाद वाली रूट पे, वहां पर एक दो फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे असेंबलिंग होती है, जो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनकी असेंबलिंग होती है। जैसे वॉच होती है घड़ी, घड़ी के अंदर में जो बहुत आप देखते हो ना माइन्यूट माइन्यूट से बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, इनकी असेंबलिंग होती है यहाँ पे। और इसी तरीके जो वॉल्यूम कंट्रोलर होता है ना फैन का वॉल्यूम कंट्रोलर, अगर कभी आपने टूटा हुआ देखा हो, उसके अंदर का देखा हो, तो आपको दिखेगा कि इसमें अंदर बहुत छोटे छोटे पार्ट्स कनेक्टर रहते हैं, तो इनकी असेंबलिंग होती है। असेंबलिंग होने के बाद ये वापस अपनी कंट्री में चले जाते हैं और फिर इनके पास ब्रांड की इम्पोजिंग होती है और फिर वहां ये बेचे जाते हैं, ठीक। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज होती है ये मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए भी होता है, और क्योंकि इंडिया में भाई लेबर ऑब्वियसली ज्यादा है, मैन पावर ज्यादा है हमारे यहाँ, तो इस तरह के और भी कंट्रीज को हेल्प करने के लिए वर्ल्ड बैंक बोलता है कि आप इस तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स लेकर आइए। ओके
नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फार ईस्ट। एशियन कंट्रीज में बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनको नीडी हैं, जो या जो फार ईस्ट की कंट्रीज हैं उनको, जिनको हेल्प की जरूरत है। तो यूएन की जो एजेंसीज हैं वो इस पे काम करती है। किसी दिन हम आपको ये कुछ जो एजेंसीज है ना, मेजर मेजर, जैसे वर्ल्ड बैंक है, और ये भी हम आपको लिखवा देंगे। कल हम ट्राई करेंगे कि आपको ये ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के जो पार्ट्स हैं इनके बारे में थोड़ा सा लिखवा दें, ठीक है? किस तरह से ये एजेंसीज काम करती हैं और किस तरह से ये फंडिंग एजेंसीज, इसमें बहुत अलग अलग तरह के फंडिंग एजेंसीज भी हैं, अलग तरीके से सपोर्ट भी करती हैं, और कहा जाए नीड ऑफ एन आर, जिसको हम लोग बोले हैं कि भाई इंडिया में तो इसकी बहुत नीड है इन सब चीजों की। ओके, इसके बाद ये ग्लोबल वाला हम आपको अलग से और लिखवा देंगे कल। ये हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि स्क्रीन पे आपको विजिबल हो रहा होगा एक चार्ट, ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया। ऑलरेडी हालांकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये जो आप नीचे देख रहे हो ना, नीचे लिखा हुआ है रेगुलेटरी अथॉरिटी। जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं जो इंडियन मार्केट की हैं, फाइनेंशियल मार्केट की हैं, उनके बारे में बात किया गया है, जिसमें आरबीआई आपको दिख रहा है, फिर सेबी दिख रहा है, फिर आईआरडीए दिख रहा है, देन आरबीआई अगेन एंड सेबी, दोनों कंबाइन करके। अब हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि भाई सबसे पहले आरबीआई का काम क्या है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं डेट मार्केट, प्राइमरी सेकेंडरी, जिसको हम लोग मनी मार्केट भी कहते हैं, कि आरबीआई सबसे पहले भाई उसको हेल्प करता है बैंक्स को, ठीक है? उनके रिजर्व्स, जो बैंकों के रिजर्व्स होते हैं वो आरबीआई के पास जमा होते हैं, ठीक है? ताकि आरबीआई बाकी सारी चीजें ये काम कर सके। ओके, देन हमारे पास आरबीआई का एक दूसरा काम भी, जिसको हम लोग फॉरेक्स मार्केट बोलते हैं। फॉरेक्स मार्केट का मतलब हो गया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। आरबीआई उसको भी गवर्न करता है, क्योंकि आरबीआई क्या करता है, अपने पास कुछ जो सिक्योरिटीज रखता है वो तो कुछ इन्वेस्ट करता है, और साथ ही साथ कुछ फॉरेन एक्सचेंज भी रखता है, यानी कुछ गोल्ड में होता है, कुछ बॉन्ड में होता है, कुछ फॉरेन एक्सचेंज में होता है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ये आप ऐसे समझ लो कि आपके पास फॉरेन करेंसी होती है। और हम सब जानते हैं कि डॉलर्स और उससे भी बहुत सारी करेंसी ऐसी है जो डॉलर से भी ऊपर है, तो हम इस तरह की करेंसीज को होल्ड करके रखते हैं, ताकि अगर हमें कभी इकट्ठे पैसे की नीड होती है तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज भी रहता है। तो आरबीआई उसको भी गवर्न करता है, उसको भी रेगुलेट करता है, ठीक है? इंडिया में कितना फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए, मिनिमम हर बैंक का इन्वेस्टमेंट उसमें होना चाहिए। देन हमारे पास है सेबी। सेबी हम सब जानते हैं कि डिपॉजिटरी है, और प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह की डिपॉजिटरी पे काम करता है सेबी, वही जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट। देन हमारे पास आईआरडी है, जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस को गवर्न करता है, कि किस तरीके से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन काम करेगी, उसकी ऑडिटिंग होगी, और जो जनरल इंश्योरेंस है, एक्सीडेंटल, बाइक का या इन सब का इंश्योरेंस है, होम का इंश्योरेंस है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है, इसको कैसे गवर्न करा है। नेक्स्ट आरबीआई का जो दूसरा काम है, ये है जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, या हम लोग कोऑपरेटिव बैंक्स कह सकते हैं, ठीक है? इन सारे बैंक्स को आरबीआई गवर्न करता है। यानी प्राइमरी तो काम बैंकों, जो आरबीआई का है वो ये सारी चीजें देखना, बट उसके साथ साथ आरबीआई ये भी देखता है कि बाकी सारे जो भी और बैंक्स हैं ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है? जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जो आरआरबी हैं वो ऐसे एरिया में ओपन करी जाती हैं जहाँ जो रूरल एरिया, ठीक है? तो आरबीआई ये भी देखता है कि भाई रूरल एरिया क्या अब डेवलप हो चुका है, तो वो फिर वहां से आरआरबी को हटा देता है या बंद कर देता है, या उसको कमर्शियल बैंक में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से मतलब इनको भी गवर्न करता है आरआरबी, सॉरी आरबीआई। देन हमारे पास आरबीआई और सेबी म्यूचुअली अगर हम लोग बात करें, तो ये लोग म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड्स पे भी काम करते हैं। ये इसलिए क्योंकि देखो पहले तो क्या है, सिक्योरिटीज को गवर्न करने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन, अपने स्टॉक्स का रजिस्ट्रेशन आपको सेबी में कराना पड़ेगा। बट आरबीआई जैसे अब क्या हो गया है, अब जब से ये हो गया है कि डीमैट अकाउंट कंपलसरी हो गया, यानी अगर आपको शेयर ट्रेडिंग करनी है या कमोडिटी की ट्रेडिंग करनी है, बेसिकली सिक्योरिटीज की अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, तो आपको एक डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। अब ये डीमेट अकाउंट के लिए आपको बैंक की जरूरत है, इसलिए कहीं ना कहीं आरबीआई का भी अब एक रोल हो गया है म्यूचुअल फंड में या सिक्योरिटीज। ओके, तो ये वाला चार्ट, चाहे आप इसकी फोटो खींच लीजिए, आप इसको जरूर बना लीजिएगा क्लास, ये आपको हेल्प करेगा। तो ऊपर जो हम लोग देख रहे हैं ना सारे पॉइंट्स,
ये हमारा फाइनेंशियल मार्केट है इंडिया का, और जो नीचे के पॉइंट्स हैं ये सब है हमारे रेगुलेटरी बॉडीज या बोर्ड्स हम लोग कह सकते हैं हमारे इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के। ओके क्लास, कल हम लोग जो ग्लोबल वाला पार्ट है ना उसको थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे, तो हमारा ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। वैसे इंडियन फाइनेंशियल मार्केट का तो पार्ट कंप्लीट हो गया है। ओके तो फिर यहीं तक रखते हैं अपनी क्लास। ओके मैम, ओके थैंक यू, थैंक थैंक यू मैम, यू। एंड थैंक स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आप सभी अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में मेंशन कर दो। जस्ट थैंक यू मैम। मेंशन योर नेम, जस्ट मेंशन योर नेम। ओके हिमांशी, ऐश्वर्या, रितिका, अलका, पलक, अवनीश, काव्या, वैभव, साधना, हिमांशी तिवारी, जुल्कैर, कृति, सिद्धार्थ, इसमें और कौन है? और कोई है? हिमांशी, अगर कोई लेफ्ट कर गया है तो आप उसका नाम मेंशन कर सकते हो, ओनली हिमांशी। मैम दो तीन लोग लेफ्ट कर गए शायद। ओके हाँ तो उनका नाम आप मेंशन कर दो। ठीक है, मैम। यस जुल्केर, कौन कौन चला गया है? वेलकम वेलकम। पलक की अटेंडेंस हो गई है वैभव? मैम कल आपने पढ़ाया था। ओके यस बेटा, कल पढ़ाया था। यही जो अभी कुछ, बल्कि हमने कुछ रिवीजन भी कराया है थोड़ा बहुत, एक डेढ़ पेज पढ़ाया होगा क्लास। मैम, शायद सब लोग हो गए हैं, सबकी अटेंडेंस हो गई है। थैंक हो गए? ओके ओके ओके, वेलकम। यू मैम। कल भी अपनी ऑनलाइन क्लास ही होगी? ओके क्लास। ठीक ओके ठीक है मैम, मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम।